नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हरि ओम। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। अभी नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है और नवरात्रि के जो नौ दिन होता है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। नौ दिनों में हम अपनी किस्मत को उजागर कर सकते हैं, गरीबी है, निर्धनता है, जीवन में चल रही परेशानी को यूं ही चुटकियों में समाप्त कर सकते हैं। बस हमें विधि आना चाहिए। तो आज मैं आप लोगों को नवरात्रि के समय में माँ दुर्गा को प्रसन्न करने वाला 6 से 8 विधि बताऊंगा। जो भी विधि आपको अच्छा लगे वह विधि करना। आपके जीवन में चल रही बाधा है, परेशानी, चाहे पैसों के संबंधी जो तकलीफ है, समस्याएं, सारे समस्या चुटकियों में माँ समाप्त कर देंगे। तो कौन सी उपाय है, उपाय जानने से पहले आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार के अच्छे अच्छे जानकारी आपको भी सीखने को मिले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जरूर जुड़े। वैसे तो नवरात्रि के दान का विशेष महत्व होता है मित्रों। अगर सुबह उठ करके नहा धो करके अगर मंदिर में जा करके झाड़ू दान किया जाए नवरात्रि के समय में तो काफी पुण्य मिलता है। इससे माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है, इससे माँ दुर्गा भी प्रसन्न होती हैं। जी हाँ मित्रों, एक तीर से दो निशान आप कर सकते हैं। माँ दुर्गा की भी कृपा प्राप्त कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। झाड़ू को लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है। अगर आप किसी योग्य मंदिर में जा करके झाड़ू दान करते हैं तो इससे भगवान भी प्रसन्न होते हैं और साधक के सभी प्रकार के मनोरथ को माँ दुर्गा पूर्ण करती हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं सफेद कलर की मिठाई है, जैसे कि खोवा है, पेड़ा है, ये भी नवरात्रि के समय में दान करने से साधक के जीवन में चल रही परेशानी है, बाधाएं, कष्ट हैं, कर्जे का भार हैं, ये सारे समस्या स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। तंत्र बाधा को भी मिटाने के लिए सफ़ेद कलर के जो पेड़े होते हैं इसका दान अवश्य करना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति आज के दिन अगर नीले कलर के वस्त्र हैं या सफ़ेद कलर के वस्त्र दान करते हैं तो इससे माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं, साधक की जो मुराद है उसे पूर्ण करती हैं। नवरात्रि के समय में अगर छोटे बच्चे को, क्योंकि छोटे बच्चे को जो 9 साल तक के छोटे बच्चे रहते हैं श्री नव दुर्गा का स्वरूप बताए जाते हैं, तो छोटे बच्चे को चूड़ी, काजल, बिंदी, नेल पॉलिश, आपसे जो भी सुविधा बन सके, अगर श्रृंगारिक सामान दान देते हैं, बच्चे को भेंट करते हैं तो इससे माँ अति प्रसन्न होती हैं। उनके जीवन में चल रही बाधा है, तकलीफ है, परेशानी, चाहे वो परेशानी कोई भी क्यों ना हो, एनीबडी जो भी परेशानी है वह नवरात्रि के तुरंत बाद यूं ही चुटकियों में समाप्त कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों आप सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा, माँ दुर्गा को गुलाब का इत्र अति प्रसन्न होता है। अगर माँ दुर्गा को कोई भी व्यक्ति गुलाब का इत्र चढ़ाते हैं तो इससे मनवांछित वर उनसे प्राप्त कर सकते हैं। शाम के समय माँ दुर्गा को 9 प्रकार की चूड़ी या फिर नवरात्रि के किसी भी दिन में 9 कलर की चूड़ी जोड़े के रूप में, यानी कि दो दो जो है जोड़े के रूप में आपको चूड़ी रखना है, तो 9 × 2 = 18, तो 9 प्रकार की चूड़ी माँ लक्ष्मी को या माँ दुर्गा को समर्पित अवश्य कर देना है। इससे हमारे घर में धन की आगमन होता है, हमारे घर से दरिद्रता है, गरीबी है, जीवन में चली परेशानी है, बाधा है, सारे समस्या चुटकियों में समाप्त कर देते हैं। तो ये थे छोटी सी जानकारी छोटी सी है लेकिन आपकी किस्मत को बदलने में ये इतना ज़्यादा तीव्र माहिर हैं जिस प्रकार बाण भगवान श्री रामचंद्र जी के तीव्र होते हैं। तो ये थे छोटे से जानकारी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।